हेलो बच्चों, बच्चों आज हम लोग क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग ग्लोब समझेंगे, क्या होता है ग्लोब का यूज क्या होता है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में समझेंगे। लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड आया है। लास्ट चैप्टर में बच्चों हम लोग प्लैनेट के बारे में समझे थे, सोलर सिस्टम हम लोग ने देखा था। सोलर सिस्टम में सोलर फैमिली का हेड कौन होता है और एक्स्ट्रा मेंबर्स कौन कौन है उस फैमिली में, उसके बारे में देखे थे। और इस चैप्टर में भी उसके अलावा थोड़ा और कुछ उससे आगे बढ़ते बच्चों समझने का कार्य करेंगे। थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको हम बताएंगे इस चैप्टर को समझाने से पहले कि एक बात बच्चों आप लोग समझ लीजिए कि आपका यह चैप्टर सेकंड और फर्स्ट ही जैसा कि शुरुआत हुआ था और मोस्टली सेकंड आपका एक बेसिक फीचर बेसिक व्यवस्था आपकी देता है, स्ट्रक्चर आपको देता है ज्योग्राफी की। आप इतना समझ लीजिए जैसे आगे चल के आपको कंपटीशन की तैयारी करना है उस स्तर की तैयारी का ग्राउंड आपको एक बेस यहाँ पे मिलता है। आप इसको उस तरह कंसेंट्रेट होकर पढ़िए, यहाँ का नॉलेज आपको आगे चल के अच्छे कंपटीशन में भी कई तरह से कार्य करेगा। अर्थ से रिलेटेड जानकारी जीके जो होता है बच्चों कहीं चेंज नहीं होता है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें आप देखेंगे क्या क्या इस वीडियो में बेसिक फीचर आपका ग्लोब तो जानते हो आप लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्लोब देखे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, देखो आप समझ रहे हैं बेटा तुम भी देखे हो। उसके बाद बच्चों हम लोग समझेंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, फिर हम लोग देखेंगे इक्वेटर क्या होता है और हेमिस्फेयर क्या होता है। तो इन सब पॉइंट पे बच्चों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और इस सबको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, बेसिक फीचर आपका ग्लोब। ग्लोब पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्लोब होता क्या है, ग्लोब का यूज क्या होता है। दिखा दे क्या ग्लोब क्या होता है, चलिए दिखा देते हैं। बहुत बच्चे देखे हम जाते हैं, बच्चों देखिए आ जाओ, ये है स्पेशली ग्लोब आपका, देखिए ग्लोब, इसे ग्लोब बोलते हैं। अब इसका यूज क्या होता है अभी आपको हम सब बताते हैं वन बाई वन। किसी भी अर्थ में किसी भी प्लेस को जानने समझने के लिए, भाई कैसे आपको मालूम चलेगा, जैसे आपको आपका एड्रेस पूछा जाए तो आप एड्रेस को बता देते हैं, लेकिन वह एड्रेस है कहाँ पे इसको बताने के लिए आप लोकेशन बता देते हैं कि यहाँ से सुल्तानपुर जाइए, सुल्तानपुर से राइट साइड में इतना दूर जाइएगा, फिर वहाँ फिर उस मोड़ के बाद कैसे, चलिए ठीक है तो कामन बात। मान लीजिए किसी बाहर कंट्री के बारे में चर्चा होगा और अर्थ से रिलेटेड आपको जानकारी लेना है कि कहाँ पे वह कंट्री है, तो एक फिगर या चार्ट या मैप आपके पास होना चाहिए जिससे आप पूरी विश्व की जानकारी समझ सकें। दैट मीन्स भारत के ईस्ट साइड में कौन कंट्री है, भारत के वेस्ट में क्या है, व्हाट हैज बीन सिचुएटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ आवर कंट्री, दैट इज लाइक दैट मेनी थिंग। इन सब इम्पोर्टेंस को जानने के लिए इन सब किस ओशियन की क्या लंबाई चौड़ाई है, भारत का अपना क्षेत्रफल क्या है, कितने स्टेट में डिवाइडेशन है, कौन सा स्टेट किस साइड में है, ये सब जानने के लिए बच्चों हम लोगों को हो सकता होती है मैप की या फिर ग्लोब की। मैप और ग्लोब, मैप भी आपको एक बेस बताता है, ग्राउंड बताता है किस आधार पे क्या सिचुएशन क्या कहाँ पे सिचुएटेड है। आप बुक्स में कई मैच देखे मैप देखो होंगे और ग्लोब भी आपको अभी दिखा रहे हैं समझा रहे हैं पॉइंट पॉइंट आपको हम समझाएंगे। ये लेसन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों। अभी आप लोग कह रहे होंगे अरे सर को ऐसे ही कहते हैं इंटरेस्टिंग, आपको दिखेगा इंटरेस्टिंग, आपको इस लेसन में इंटरेस्ट दिखेगा। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों बेसिक फीचर आपका ग्लोब।
ग्लोब का बेसिक फीचर क्या होता है, ग्लोब का कामन मुख्य आकार, उसकी स्थिति परिस्थिति क्या होती है, चलिए आपको हम दिखाते हुए समझाएंगे तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। बच्चों ये देखिए ग्लोब है, ग्लोब दैट मीन्स ए मॉडल ऑफ द अर्थ। देखिए इसे राउंड कर रहा है, आप देखिए मॉडल ऑफ द अर्थ, इसमें आपको विश्व के समस्त फेमस कंट्रियों के चित्र मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के फिगर आपको मिलेंगे, सारे ओशियंस, सारे कॉन्टिनेंट्स सब आपको इसमें मिलेंगे चित्र। आपको एक विशेष रूप से कहाँ पे क्या किस साइड में है, क्या किस साइड में है, इसको बड़े ही क्लियर ढंग से दर्शाया गया होता है। तो आप देखिए इसे मूविंग कर रहा है, मूविंग देख रहे हैं ना बच्चों, इस मूविंग की क्या वजह होती है, आपको मालूम है कि आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, इसे आप समझे हैं पिछले चैप्टर में, अपने पॉइंट पे रोटेशन करती है और सन का रिवोल्यूशन करती है, तो ये है रोटेशन अर्थ का, इसी को रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन का मतलब ऐसे ऐसे जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम सन हो गए, ऐसे हमारे चारों तरफ ऐसे एक निश्चित स्थिति घूमेंगे भाई, ऐसे नहीं अब हम ऐसा तो है नहीं घूमने लगे ऐसे ही, आप समझ रहे हैं बात को, देखिए ऐसे है ना, ऐसे भी घूमती रहती है वैसे भी घूमती रहती है। चलिए मान लीजिए आप सन हो गए, आप लोग सन हो तो कैसे पृथ्वी घूमेगी। एक महत्वपूर्ण बात और आप लोग समझ लीजिए, अर्थ के घूमने का स्थिति क्या होता है, किस राउंड में कैसे घूमती है, यह वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, बच्चों इसको सारे बच्चे अच्छी तरह समझ लें, अर्थ किस ढंग से घूमती है इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए यह आपका रोटेशन कर रही है, इस तरह से रिवोल्यूशन भी करेगी, मान लीजिए आप तो ऐसे भी रिवोल्यूशन भी आपका होता रहेगा। तो हाँ बच्चों अब आपको और हम पॉइंट इसके बारे में समझाते हैं, देखिए जैसे कि इसमें हमने आपको पिछले चैप्टर में भी कुछ पॉइंट और कुछ हिंट आपको आइडिया दिया था कि किस तरह से आपकी अर्थ जो है मूवमेंट करती है और मूवमेंट के पीछे और क्या फैक्टर होता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको ये, जैसे आपका भारत पूरे विश्व के किस स्थान पे है इसको जानने के लिए आपने ग्लोब लिया है, मान लीजिए आपका भारत कहाँ गया, ये देखिए आपका ये इंडिया है, ठीक है ये इंडिया है, इसको समझने के लिए आप कैसे किसको बताओगे, ये तो पूरी मान लीजिए हो गया क्या वर्ल्ड वाइड पूरा विश्व है, इसमें इंडिया को आप कैसे बताओगे किस इस स्थान पे है, इसको बताने के लिए इसको समझने के लिए पूरे विश्व में कई स्थानों पर इमेजिनरी रेखा खींची गई है, काल्पनिक लाइन खींची गई है, खींची गई का मतलब ये मत समझ लेना कि इसको जाके टार्च लेके ठोड़ने लगता है, सचमुच खींची गई है, वो खींची नहीं गई मानी गई है काल्पनिक रेखा, बच्चों समझ लो। और कैसे आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा पहले आप समझ लो, जहाँ से मूव कर रहा है ये ऊपर वाले प्लेस को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, आप देखिए नॉर्थ से ऊपर वाले प्लेस को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इस साइड में क्या है ईस्ट, ये इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है। तो आपकी अर्थ कैसे मूव करती है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मूविंग करती है, ऐसे याद रखना। अभी हम आपको बताएंगे इस मूवमेंट के पीछे क्या रीजन होता है। हाँ बच्चों तो हमने आपको क्या बताया, मान लीजिए आपको इस प्लेस को समझना है कहाँ पे है, तो जो काल्पनिक रेखाएं मानी गई है वो रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, दैट मीन्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, समझ लो बच्चों नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इस रेखा को क्या बोलेंगे, इन रेखाओं को बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इमेजिनरी रेखाएं मानी
अब आप सब सोच रहे होंगे ये सर क्या बता रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, मानी गई तो मानी गई, उसको जानने समझने से क्या मतलब है, उसको जानने समझने से बहुत बड़ा मतलब है भाई। मतलब ये है कि ये कोई रेखा ऐसी भी तो होगी जो इंडिया के अगल बगल या इंडिया से होकर गुजरती है पूरी, और हर रेखाओं का कोई ना कोई नंबर है, कोई नाम है, कोई पहचान है। तो आपके ये समझ में तो आ सकता है ना, मान लीजिए ऐसे रेखा, एक रेखा यहाँ खींची गई, फिर इतना घुमा के यहाँ खींची गई, फिर इतना करके ऐसे खींची गई, इसे पूरे चारों तरफ खींच दी गई, टोटल मान लीजिए 100 रेखा हो गई। चलिए ठीक है, अब सभी का नाम हो गया 1 2 3 4। अब ये तो बताया जा सकता है कि ना ये रेखा जो गई है लॉन्गिट्यूड 33 वाली पे इंडिया है, कोई भी मान लीजिए जिस पे हो, तो आपके समझ में इतना आया होगा लॉन्गिट्यूड कैसे होता है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ ऐसे जाती है। अब चलिए आपको हम और बताते हैं, और थोड़ा कंफ्यूजन अभी फिर भी आपके में, मान लीजिए आपसे बताया गया कि यह कंट्री इस लॉन्गिट्यूड पे है, ये लॉन्गिट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, आप कैसे मानोगे कि यहीं पे है, यहाँ ना अंदाज लगा लो भाई, यहाँ ना ऊपर ना समझ लो। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, इस ऊपर ऐसे भी काल्पनिक रेखाएं हैं बच्चों, जैसे हमने आपको बताया इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग रेखा जो लॉन्गिट्यूड है भाई, तो ऐसी भी रेखाएं हैं। आप बीच में देखिए, आपको बीच में रेखा दिख रही सबसे, इस बीच वाले रेखा को इक्वेटर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इसके बाद ऐसे 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 ऊपर नीचे दोनों साइड में भी कई रेखाएं हैं, और इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड्स। समझ में आया बच्चों, लेटीट्यूड्स। आप समझ लो लॉन्ग लॉन्ग रेखाएं जो होती है इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स, और जो ऐसे लेटी हुई रेखाएं होती है इसे क्या बोलेंगे, लेटीट्यूड्स। इतना तो समझ में आ गया आपका, लेटी रेखा लेटीट्यूड्स, लॉन्ग रेखा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आपको लोकेशन मान लीजिए समझना है, तो आपने कहा लॉन्गिट्यूड नंबर ये और लेटीट्यूड नंबर ये, समझ में आया बच्चों इतना। इससे किसी भी प्लेस के बारे में आप बता सकते हो, कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सा ओशियन किस प्लेस पे, किस लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। इतना समझ गए, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा, बेसिक फीचर आप ग्लोब आप समझ रहे हैं, आपने नॉर्थ पोल समझा, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने बताया बच्चों दोनों आपको, ऊपर साइड का हिस्सा देखिए अभी बताए थे ना, जैसे देखिए ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल और नीचे का हिस्सा साउथ पोल, इसको हमने आपको बताया है। आपने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड को कानून तरीके से भी समझा है, इक्वेटर हमने बच्चों आपको समझाया है, इक्वेटर आपके समझ में आ गया है। अब इसके बाद आपको हम और बताते हैं हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर क्या होता है अभी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इसको जानने के लिए बच्चों आपको इक्वेटर तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, आपके इक्वेटर समझ गए सारे बच्चे, चलिए ठीक है। अगर इक्वेटर समझ गए तो समझ लीजिए हेमिस्फीयर भी समझ गए, ये बीच की रेखा हमने आपको बताया था इक्वेटर, बीच की रेखा, इसके ऊपर का हिस्सा ये एक हेमिस्फीयर हो गया, नीचे का हिस्सा यह भी एक हेमिस्फीयर हो गया, दैट मीन्स अर्थ में कितने हेमिस्फीयर होते हैं, 2। कौन कौन, ऊपर का हिस्सा कौन है, ये किस पोल से संबंधित है, नॉर्थ पोल से, तो क्या हुआ यह नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का कौन पोल है, ये साउथ पोल, तो क्या हुआ यह साउथ हेमिस्फीयर। कॉमन बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल समझ गए, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर इस रेखा के बच्चों, ये जो इक्वेटर है इक्वेटर से, नीचे का प्लेस सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ का हिस्सा नॉर्थ पोल से संबंधित है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे का साउथ हेमिस्फीयर। समझ में आया, दैट्स अ वेरी कॉमन मैटर, आपके समझ में आ गया होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल हेमिस्फीयर, इतना समझ गए बच्चों।
अब किस तरह से कोई रेखा कहाँ से कहाँ जाती है, कोई रेखा कहाँ से कहाँ जाती है, नंबर्स आप कितने होते हैं, यह भी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आपने काफ़ी पॉइंट इससे संबंधित समझा। आप ये समझ गए होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, यह भी समझ गए हैं। तो सो ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स। अब आप देखिए पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स, हमने अभी आपको क्या बताया था लेटिट्यूड्स, और हम कह रहे हैं पैरेलल पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स। लेटिट्यूड्स हमने कहा था ना, लेटिट्यूड्स कौन है बच्चों, जैसे ये बीच का इक्वेटर है, ऊपर रेखाएं ऐसे होती हैं इमेजिनरी काल्पनिक और नीचे भी होती हैं, क्या होगी लेटिट्यूड्स। लेकिन पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि इस रेखा के जितनी भी रेखाएं होंगी ये पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेलल का मतलब होता है कि इस रेखा के बीच की दूरी समान होगी, जैसे जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, और अगली रेखा होगी जितनी यहाँ उतनी यहाँ उतनी यहाँ। समझ में आया पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड, तो पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड का मतलब यही होता है कि रेखाओं के काल्पनिक रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, दिस इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड। बच्चों समझ में आया इतना, आ गया वेरी गुड। अरे बच्चे टैलेंटेड है, नहीं समझने के तो कौन समझेगा। हाँ बच्चों देखिए आ गया, आप एक और महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ सर्किल राउंड द अर्थ। ये महत्वपूर्ण बात है बच्चों, अब आपको हम महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या है वर्ड, इसको अगर पूरा वैसे राउंड करिए, ऐसे पूरा राउंड एक राउंड यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए, तो कितने डिग्री होगा ये आप बताइए। एक सीधी रेखा को बीच में पॉइंट रख दीजिए तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है हमारे 180, पता है सारे बच्चों को वेरी गुड। और अगर पूरा राउंडिंग कर दीजिए मीन्स ये पॉइंट और यहाँ से राउंड करके ऐसे ऐसे तो कितने डिग्री का एंगल बना 360, वेरी गुड 180 ऐसे हाफ हुआ और 180 इधर का हुआ दैट मीन्स 360। अब आप देखिए ये समझ लीजिए इक्वेटर जो है बिल्कुल बीच में होता है, इसको भी आप अच्छी तरह समझ इक्वेटर रेखा बिल्कुल बीच में होता है। अब महत्वपूर्ण रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड है हमने आपको बता दिया, इस लेटिट्यूड के बीच की रेखा को इक्वेटर बोला जाता है। तो बच्चों आपको थोड़ा ये भी समझना होगा कि ये लॉन्गिट्यूड में भी क्या कोई बीच की रेखा काल्पनिक होती है, तो होती है बच्चों। उस रेखा को क्या बोलते हैं, उस रेखा को बोलेंगे GMT, ग्रीन विच मीन टाइम। हमने पीछे शायद आपसे चर्चा किया था ना कि किस तरह से लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सीजन और टाइम को डिनोट करते हैं। चलिए अभी और आपको हम कन्फर्म करेंगे, स्टेप बाई स्टेप आपके समझ में आएगा। तो इतना बच्चों आपके समझ में आया। और ऑल सच पैरेलल लेटिट्यूड्स आर क्लासिफाइड एज नॉर्थ लेटिट्यूड एंड साउथ लेटिट्यूड्स। लेटिट्यूड आपको समझ में आया, पैरेलल होता है हमने आपको बता दिया। द वैल्यू ऑफ ईच लेटिट्यूड्स इज फॉलोड बाई आइदर ऑफ वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब आप देखिए लेटिट्यूड्स, जो लेटिट्यूड्स होते हैं उसको पहचाना किस तरह जाता है, नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग। नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्लेस कहाँ पे है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए कोई प्लेस आपको आपके बुक में क्या बताया गया है, एक प्लेस बताया गया है जैसा है चंद्रपुर, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया, भारत देश के महाराष्ट्र में एक प्लेस है चंद्रपुर। और दूसरा एक स्थान है बेला हॉरिजोंटे, ये कहाँ पे है ब्राजील में,
आप ध्यान से सुनिए, बेला ऑब्रिजोंड ब्राजील में है और चंद्रपुर महाराष्ट्र में है इंडिया के, लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ 20 डिग्री लेटीट्यूड। अब आप देखिए 20 डिग्री, इसको डिग्री की काइटिंग माना जाता है। अभी हमने आपको समझाया था ना कि टोटल आपका कितना हुआ 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनेगा ना, हाफ कितना हुआ, हाफ कितना हुआ 180 डिग्री, तो ये कितना होगा बच्चों, ये आपका कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ। इस इक्वेटर से लेके पोल के बीच की डिस्टेंस अगर डिग्री में आपको समझाया जाए तो हर स्थान पे 90 डिग्री होगा, चाहे इस पोल से साउथ पोल से या नॉर्थ पोल से, इतना समझ में आया। अब आपको प्लेस जब लोकेट करना होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये जितनी लेटीट्यूड्स हैं ये डिग्री में रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ शुरू हुई पहले 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा ना, जो एंगल ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे और ऐसे 90 डिग्री हुआ नहीं हुआ 90 डिग्री ना, अगर कम करते हुए ये मान लीजिए ये एक रेखा इक्वेटर है, ऐसे तिरछा हुआ ये हुआ, तो कम होता गया ना, 20 डिग्री आ गया, 10 आ गया, ये 0 डिग्री आ गया ना, इक्वेटर को मुख्य रूप से 0 डिग्री माना जाता है। इतना समझ में आ गया बच्चों, आप इक्वेटर को 0 डिग्री कह सकते हैं और दूसरे साइड में ये रेखा GMT हमने चर्चा किया इसको भी 0 डिग्री कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में अलग अलग क्या है लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो अगर वहाँ से आप डिग्री के अकॉर्डिंग मानते हैं तो उसको 0, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी रूप में बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 180 पूरा राउंड कर जाएंगे, 180 और 180 इधर दोनों साइड में 180 हुआ। चलिए बच्चों, हमने आपको कहा था दो प्लेस का नाम, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया और बेला हॉरिजॉन्टल ब्राजील, ये क्या है ये दोनों प्लेस, ये दोनों प्लेस लोकेट है 20 लेटीट्यूड्स। अब आप देखिए 20 लेटीट्यूड्स पे हमने आपको बताया 20 डिग्री लेटीट्यूड, जैसे मान आपको क्या बताया था ये 0 डिग्री हुआ, ठीक है, यहाँ से ऐसे 10 हुआ फिर 20 हुआ, मान लीजिए यहाँ 20 है, आपको एक बताया जाता है 20 लेटीट्यूड्स पे है, जो 20 लेटीट्यूड्स पे है इसका लॉन्गिट्यूड भी मान लीजिए आपको बता दिया गया, वो भी सेम है, लेकिन एक इंडिया में है और एक ब्राजील में है, इसका मतलब ये कैसे हो गया, प्लेस डिग्री सेम है तो बच्चों डिफरेंस ये है, इसका रीजन ये है कि एक नॉर्थ साइड में है एक साउथ साइड में है, दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ डिफरेंसेस टू बोथ प्लेसेस। भाई आपको ये भी देखना होगा नॉर्थ पोल साइड में है या साउथ पोल साइड में है, इस कारण से दोनों में डिफरेंस है प्लेस में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड डिक्रीज। अब आप देखिए एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अब आप देखिए मूव अवे अच्छी तरह आपको समझ में आएगी, आपका इक्वेटर ये लेटीट्यूड्स है, कहा गया जैसे ही आप इस इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे जो बाकी लेटीट्यूड्स बनते हैं उसकी साइज कम होती जाएगी, कम तो होगी भाई, ये बीच का प्लेस सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे बड़ा होगा इक्वेटर लेटीट्यूड, और जब जाएंगे तो डाउन हो गया ना, ये रेखा जो है छोटी होगी, ये रेखा और छोटी होगी, सबसे ऊपर तो बिल्कुल छोटी होगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ना, लेटीट्यूड्स जितना इस साइड पोल साइड में जाएंगे उतनी ही उसकी साइज कम होती जाएगी, बट ऑल लेटीट्यूड्स आर पैरेलल, याद रहे लेटीट्यूड सारे पैरेलल होते हैं बच्चों। तो अब हम क्या आपसे बात करने जा रहे हैं, लेटीट्यूड्स रिप्रेजेंट सीजन एंड लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंट टाइम, अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि लेटीट्यूड्स क्या बताते हैं, सीजन बताते हैं, लेटीट्यूड समझ रहे हो ना, ये लॉन्गिट्यूड्स क्या बताते हैं टाइम। तो बच्चों इतना आपके समझ में आ गया, बेसिक फीचर आपका ग्लोब, ग्लोब के बारे में आपने समझा,
लैंगिट्यूड समझ में आया, लेटीट्यूड आपने समझा, इक्वेटर आपके समझ में आया, जीएमटी आपको हम इतना बता दे रहे हैं, मेन रेखा आपकी जो होती है, मेन रेखा इंग्लैंड से आई हुई है या नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मिलाती है, उसे जीएमटी बोलते हैं। अभी आपको हम और समझाएंगे उसके बारे में बच्चों। और नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने समझा, इक्वेटर आपने समझा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर आपने देखा। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड टाइम बताता है और लेटीट्यूड सीजन चेंज करता है। सो स्टूडेंट्स, इतनी चीजें आपके समझ में आ गया, सो मेनी थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक। चलिए बच्चों, तो इसके बाद बाकी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।